और फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं क्यू एन ए करने वाला हूँ, मतलब कुछ लोगों का कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ज़ेनॉन गाड़ी है, ज़ेनॉन गाड़ी और 3 लीटर है ये, बेस 4 है फ्रेंड्स, डीजल CR4 इंजन बोलते हैं। तो इसका प्रॉब्लम मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वीडियो लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना, भगा के मत देखना फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए यूज़फुल होगा, आप कुछ नए सीखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सब मैंने खोला है इसका, और ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा है फ्रेंड्स, तो ये गाड़ी का एसी का प्रॉब्लम था, क्योंकि ये एसी वाली गाड़ी है। तो एसी का ये देखिए मैंने बटन खोला है, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि एक नंबर चल रहा है, दो नंबर चल रहा है, तीन नंबर नहीं चल रहा, चार नंबर वापस चल रहा है। तो हम लोगों ने मेरे को, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एक नंबर दो नंबर अगर नहीं चल रहा है, तो एक दो तीन तीन नंबर अगर नहीं चल रहा, तो इसका ज़्यादा कारण क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये गाड़ी में ज़ेनॉन में ऐसा फर्स्ट टाइम आया ला, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा बटन का कभी चेंज नहीं किया, तो इसके लिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स इसका स्विच ऑन करके लेंगे हम लोग, और फ्रेंड्स ये बटन मैंने जुना वाला इसमें से, ये देखिए इसमें से निकाल के इधर लगाया ला साइड में आप लोग को दिखाने के लिए कि इसका क्या प्रॉब्लम है। और मैं दिखाता हूँ, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है नीचे, ये देखिए यहाँ पे अंदर, ये देखिए वो अगर आपको दिख रहा है तो, ये देखिए वो सॉकेट जो दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का वायर ये वाला, ये उसका रेजिस्टेंस है। उसको हमने खोला था चेक करने के लिए, क्योंकि क्या होता है अगर उसका ब्लोर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि चार नंबर तो डायरेक्ट चलता है, चार नंबर में प्रॉब्लम आए तो उसका वायरिंग का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन एक दो तीन नंबर में प्रॉब्लम आ रहा है तो रेजिस्टेंस का ज़्यादा करके प्रॉब्लम था। लेकिन ये गाड़ी का प्रॉब्लम बटन में प्रॉब्लम था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं एक नंबर लगाता हूँ, ये देखिए आपको आवाज़ आता कि पता नहीं, मोटर का यहाँ पर आवाज़ आएगा, एक नंबर चल रहा है और वापस दो नंबर लगा देंगे, ये दो नंबर भी चल रहा है, देखिए आपको आवाज़ आ रहा रहेगा, तो ये तीन नंबर बंद हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, आवाज़ ही बंद हो जाता है। वापस अगर हम चार नंबर लगा देंगे डायरेक्ट चलेगा, आवाज़ ज़्यादा आ रहा है डायरेक्ट, वापस तीन नंबर लगाएंगे तो सब बंद, फिर वापस दो नंबर लगाएंगे तो चालू, एक नंबर लगाएंगे तो भी चालू। तो ये प्रॉब्लम क्या था फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं था, ना ही वायरिंग का। तो हम लोगों ने डायरेक्ट इधर बोला कि नया डाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि वायरिंग तो सही लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट करके देखा, ये देखिए ये अर्थिंग में अगर दिया तो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर सब चलता है। तो इसको मैं नया लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नया लगा दिया हमने, इसको एक नंबर चल रहा है, दो नंबर, ये तीन नंबर भी चल रहा है, ये चार नंबर, एक नंबर दो नंबर, ये तीन नंबर, चार नंबर। तो फ्रेंड्स ये बटन का प्रॉब्लम था, ये पूरा सेट असेंबली आपने नया डाला है, देखिए नया डालना पड़ेगा अभी, क्योंकि इतना सा बटन उनको नहीं मिल रहा है अवेलेबल, जो पूरा असेंबली, इतना छोटा बटन अगर मिलता तो अच्छा रहता था, इसका कम रेट भी रहता था 200-300 रुपये तक भी, लेकिन ये पूरा असेंबली का ज़्यादा रेट है, तो हमारे पास नहीं है वो अवेलेबल, ये है तो उन्होंने बोला डाल दो, क्योंकि बाकी के बटन भी अच्छे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको फिटिंग करके लेता हूँ, मैं आपको प्राइस भी इसका बताता हूँ। ये देखिए इसका प्राइस यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका ये पार्ट नंबर है, अगर आपको पार्ट नंबर भी चाहिए तो ऊपर देखिए 28 वाला, लास्ट को 05 वाला, और इसका प्राइस देखिए 3149 रुपीज़ है। तो ये महंगा है फ्रेंड्स, सस्ता नहीं है, देखिए 2030 का पार्ट है ये, 2023 का, और इसमें और एक भी पार्ट आया है, आपको मैं दिखाता हूँ इसके साथ, ये पूरा असेंबली तो आया है, उसके साथ फ्रंट वाला भी ये बटन आया है नया, ये देखिए पूरा असेंबली आया है फ्रेंड्स। तो अगर इसका ये भी, क्योंकि ये भी एसी का पार्ट है ना, तो ये भी नया डाल लेंगे, वो भी नया डाल लेंगे, तो इधर का पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, ये जूना वाला हट जाएगा उसका।
फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फ्रेंड्स, यूज़फुल लगा तो फ्रेंड्स। और एक बात बोलने का था कि एक भाई ने मेरे को इंटरव्यू के बारे में पूछा था कि उनका किधर तो कोई शोरूम में इंटरव्यू होने वाला है, उधर उनका ट्रेनिंग होने वाला है, उधर सवाल पूछेंगे, तो बोल रहे थे कि मेरे को उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दो। तो मेरा जैसा पहला एक बार दो बार ट्रेनिंग हो गया था पुणे में भी बॉम्बे में भी, तो उसके हिसाब में मैंने उनको बोल दिया बाबा कि अल्टरनेटर का, बैटरी का या फिर फ्यूज़ का, एम्पेयर का, वोल्टेज का, ग्रेविटी का, जो बैटरी ग्रेविटी होता है, वाटर ग्रेविटी उसका, फिर छोटे छोटे मोटर जैसा कि अल्टरनेटर का आउटपुट इनपुट कितना आता है जाता है, फ्यूज़ का लेवल, सब ये जनरल चीज़ें वो लोग पूछते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो अभी जैसे कि अभी BS6 गाड़ी आ रही है उसका प्रॉब्लम करना, उनका सवाल पूछेंगे तो वो लोग नहीं, क्योंकि उसके बारे में आपको पता भी नहीं रहता और हमको भी पता नहीं ज़्यादा करके, क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है तब फाइंड आउट करते रहते हैं। तो मैंने उनको बता दिया फ्रेंड्स, तो आप लोग भी अगर मन में डाउट है, सवाल है, तो जनरल अभी मैंने बोल दिया ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें जैसे स्टार्टर, अल्टरनेटर, बैटरी, वोल्टेज, करंट लीकेज, इसके बारे में ज़्यादा करके पूछते वो लोग, और शॉर्ट सर्किट क्या बोलते हैं और करंट लीकेज किसका बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको जनरली आपको गूगल कर सकते, ऑनलाइन कहीं भी सर्च कर सकते। जैसे कि आपको बता दूँ विकीपीडिया बोल के एक ऐप है, जैसे कि एक क्या बोलते हैं गूगल में आता है, अगर वो भी ऐप भी मिलता है उसको अगर डाउनलोड करके उसमें आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बोल के आप डालेंगे तो उसके बारे में सब डिटेल्स आ जाएगा, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, एम्पेयर किसको बोलते हैं, कैपेसिटर और डायोड सब A to Z आपको हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, अगर आप उस उधर जाके लर्न कर सकते, उधर सीख सकते तो ये बहुत आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि आप लोग बहुत से इलेक्ट्रिशियन भाई लोग रहेंगे जिनको और नॉलेज चाहिए, फ्यूज़ कैसा काम करता है, रिले कैसे काम करता है, उधर सब डिटेल्स है फ्रेंड्स, उधर से भी मैंने नॉलेज लिया है, वो भी मैं बहुत बार पढ़ते रहता हूँ, उधर ही मैं ज़्यादा रहता हूँ, तो आप लोग भी वो पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक विकीपीडिया में जाने का और उसमें जाके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डालने का और उधर सब आएगा, जिस पे आप क्लिप करेंगे उसका डिटेल्स उसका पूरा आते रहता है, और वो सही है सीखने के लिए, समझने के लिए, वो सब वहाँ से जाके आप एजुकेट हो सकते, ले सकते, ट्रेन कर सकते फ्रेंड्स अपने आप को। तो फ्रेंड्स अभी मिलते हैं, और भी जो भी आपका सवाल रहेंगे तो फ्रेंड्स मेरे को कमेंट करो, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं देता लेकिन पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि पढ़ना बहुत ईजी, रिप्लाई देना बोले तो बहुत टाइम लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं जवाब रहते हैं तो उसको मैं देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए आपको गूगल में आने का है, अपना गूगल जो रहता है गूगल वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या डालना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डालना है। ये देखिए मैंने पहले टाइप किया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विकीपीडिया डालना है, और उसमें जाने के बाद पहला साइट जो आएगा विकीपीडिया का, ये देखिए बाजू में फ़ोटो भी है यहाँ पे, इसके अंदर आपको क्लिक करके जाना है और यहाँ पर आपको A to Z मिलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए A to Z इधर आप सीख सकते हैं, मंगते तो इसका लैंग्वेज हिंदी में भी करके पढ़ सकते हैं, बेसिकली ज़्यादा करके इंग्लिश में पढ़ा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी का उसका मीनिंग भी अलग रहता बाद में से अपने, क्योंकि आप जिसमें जाएंगे जैसे कि देखिए बैटरी के इसमें जाएंगे तो बैटरी का आएगा, फिर हर एक बहुत नीचे है फ्रेंड्स इसके, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा यहाँ से ही सर्च किया हूँ, यहाँ से मैं लर्न किया हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, बटन को क्या बोलते हैं, या फिर रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, A to Z आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा सीखने का एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप सीख लीजिए, क्योंकि मेरे भाई लोगों ने मेरे को पूछा था तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर्किट एनालाइज प्रोसेस सिग्नल DC सब कुछ बता देगा, क्लिप करेंगे तो ये देखिए DC कैसे काम करता है बता देगा, और वापस आप ट्रांसिस्टर के ऊपर जाएंगे तो ट्रांसिस्टर कैसा रहता है और कैसा दिखता है A to Z वो बता देगा फ्रेंड्स। तो ये आप लोग के लिए, आप लोग के साथ ये मैंने शेयर किया है, तो आप लोग भी इधर जाके आप टाइम बिजी रहिए, सीखिए, क्योंकि आपको सीखना चाहते तो A to Z आपको इधर से सीखने को मिलेगा, और ये बेस्ट साइट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।